गुड्डागोड़ जी का मायने ते देख सको कि जो टोडी रोड है इधर पेट्रोल पंप के सामने और जो ड्राइवर ही काफी संख्या का मायने खड़े है और आपको कहना यो है कि अभी फैसलो कुन्या हुआ है कोई रिजल्ट कुन्या है सिर्फ गुमराह करे गए ही तो आपको कहनो के है अब बात आऊ जानने की कोशिश कर क्योंकि आके मायने जो आक्रोश है वो छुपेड़ो है तो ए खेणो के चाहू है अब आता हूँ पूछा राम राम मान साहब इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए तो फैसलो को बताऊ ने कोनी तो अब आगे आगे यह है कि मैं चक्का जाम रेगुलर रखूंगा हाँ। तो सीधो सीधो अगर देखते रोड करेगा कोई बिना कुछ सूचना दिए तो उसके तारा पर कोई कार्रवाई करे नहीं ज्ञापन दिया तहसीलदार जी परसों को तो अभी के प्लान है थारो मारो प्लान यह है कि मोदी अगर लिखित कमा फैसलो जड़े तक नहीं देगो बड़े तक में बड़े खड़े मन तो चाहे तहसीलदार जी लिखित में दे दो कानून लागू कुने होगो मतलब जो जो भी बात है भाई साहब अगर ड्राइवर बोलेगा ये बात बोलेगा कि अपने को इंसाफ चाहिए यहाँ पे प्रशासन आएगा प्रशासन जाएगा यही काम रहेगा मतलब जो जो यह बताई गई है कि हड़ताल खत्म करी जाए थारी बात माननी गई ही भी बात होते संतुष्ट कुने क्योंकि थाने चाहे लिखित में आई बात है कि लिखित में के मोदी चिकम दी सदा ही चिकम देतो गयो चिकम देती आ ड्राइवरा नो चिकम देती और मोदी या समझ रहा है कि ड्राइवरों बावड़ो क्यों है ही गुनिया जो चिकम देख रखी ना दिया अब यह लॉलीपॉप में दिन 500 आदमी ने देख के वहां मोदी मारे एकलन दे रहे और दूसरी बात ये है कि जो मोदी ने ये नियम लगाए हैं तो उसके खिलाफ तहसीलदार जी दूसरी बात ये है कि तहसीलदार जी बहरे तहसीलदार जी गड्डी आ रही अगर कोई दिक्कत हो कोई बात हो तहसीलदार जी बात कर सिया मैं खड़ा हमारी स्ट्राइक कर रखी है गड्डिया खड़ी कर रखी कोई दिक्कत नहीं ठीक है रात का ही बैठे हो गए देख सको हो कि उरा जगह ड्राइवर ही भारी संख्या का मायने इकट्ठा होता जा रहे हैं और ये बताने के मुताबिक यह कह रहे हैं कि उरा लगातार जो दो दिनों हड़ताल चल रही भी हड़ताल ने सतत रूप चलान का लाग रहे हैं और लिखित में ऐ कुछ मांग रहे हैं कि माने लिखित में संतोषजनक जवाब चाहे सिर्फ चिगम देना हूं काम कौन चल रहा है आपको यो कहना है कोई भी अधिकारी है प्रशासनिक अधिकारी है रोकता हूं तो भाई साहब मेरे को मारेंगे पीटेंगे खत्म कर देंगे मेरे को बुड्ढा तहसील है कितने अधिकारी है प्रशासनिक अधिकारी भी है तीन रोज हो गए तीन दिन पहले हमने तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया था हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक कोई बात नहीं मिली लिखित में हमने थाने में दिया है अब तक हमारे कोई हमारे पास सूचना नहीं है थाने वाले आते हैं गाड़ी लेके आते हैं हमको डरा देते हैं भगा देते हैं मारपीट कर देते हैं हम यहाँ से खड़े हो जाते हैं क्या करें मुकदमो से डरते हैं पहले तो मोदी ने पहले तो गहलोत ने मार दिया पहले तो गहलोत ने बिकी तो रान कटगी बिकॉज आप तो अब मोदी गहलो गो और मोदी गहलो इतना भारत हो गेलडा और गहलो गा मारो कोई है क्यों खड़ो मान दो या बता दो ऐता खड़े ही ऐता ड्राइवर खड़े आके टाबर गुन के कोई गए सके ही नौकरी साहब भी करे नौकरी में करा साहब का ड्राइवर भी ना थोड़ी चल रही साहब मान दो या बता दो अभी ड्राइवर चल रही बाकी बापड़ा के मजबूरी बजरी है मोदी लठ बजा रहे तो नौकरी करनी है मारा माला सेठा बजा रहे मेरा प्राइवेट आदमी यहाँ खड़ा होगा आगे प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं प्रशासनिक अधिकारी हमें तो ये है कि आपके पास बातचीत है बस अच्छा तो हड़ताल हो गया तो टूट गई है सभी जगह जयपुर में सीकर में तो समाचार आ रहे नहीं सब हड़ताल टूट जाती गाड़ियां चल जाती तो आपकी जो यूनियन है उससे आप एक बार बात करो ना कि हड़ताल टूटी है नहीं टूटी है यूनियन की तो हमारे पास ये समाचार है कि हमारे को ये सांत्वना दी गई है कि 5 तारीख तक सोच समझ के फैसला देंगे हाँ तो 5 तारीख तक जो भी आपका यूनियन है संगठन है जो भी आप सर अभी प्रशासनिक अधिकारी आए ही तो ड्राइवरों बातचीत चल रही है हड़ताल टूट चुकी है जो भी बातचीत थी वो बातचीत हो गई है और अब भी कोई इनकी मांगे हैं तो आप ज्ञापन वगैरह ले लो और आगे हमें भेज दो ये बात हुई अगर सर 5 तारीख का हमारे आश्वासन दिया है उसके बाद में हमारी मांग नहीं मानी गई नहीं हुआ तो वो मामला सरकार के स्तर तक है सरकार की और आपके नहीं सर हम हमारी सरकार तो आप है गुड्डा में हमारी सरकार तो आप है हमारे अधिकारी कौन है गुड्डा में
सर आपके जो मेरे पास होगा, आपके जो भी मांगे हैं वो सरकार के साथ, आपके यूनियन है उसके सर, हमारी बात आगे तक कौन पहुंचाएंगे? हम मैं आप जो भी मांगे हैं ना वो आप दो मुझे भी। हाँ हाँ, ये तो बोल रहे हैं हम उसको आगे कि हम हमारे हमारी सरकार तो आप हैं यहाँ पे, बिल्कुल आप दीजिए। हाँ हम आपको देंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम 5 तारीख के बाद में हड़ताल पे कैंसिल नहीं हुई अभी तक, हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो 5 तारीख को हम यही बैठेंगे, उसके जवाबदार आप लोग होंगे। सर रोड जाम नहीं कर रहे हम, ड्राइवर अपनी स्ट्राइक कर रखी है, रोड जाम कहाँ कर रखी है? आपके सामने रोड जाम मिली क्या? नहीं मिली सर, मैं एक ड्राइवर हूँ, वापस खड़ी करके मालिक जवाबदार मालिक होगा मेरे को, आप वो मालिक आपके लिए जो आगे मेरी बात सुन, देखो ये है लोकतंत्र, जैसा आप इसमें आपको जो भी आपकी मांगे हैं अगर उसको सरकार नहीं मान रही है तो उसका विरोध करने का एक तरीका अलग है। रोड जाम करने से सर विरोध कर रहे हैं, आपको रोड जाम मिली गया? नहीं मिली, नहीं मिली, विरोध कर रहे हैं आप सर, विरोध कर रहे हैं, जो मांगे हैं वो आप आराम से करो, ज्ञापन वगैरह दो, जो भी मांगे हैं आपके साथ यूनियंस के साथ आप लोग बातचीत कर लो, यूनियन के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन सर मेरी बात सुनो, ज्ञापन वगैरह कुछ है वो आप दे दो, ज्ञापन बिल्कुल देते हैं, ज्ञापन देते हैं सर, लेकिन सर आप किसी की बातों में मत आओ, सॉल्यूशन होना चाहिए सर, सॉल्यूशन तो सरकार बातचीत कर रही है ना, वो मामला तो केंद्र सरकार का बनी तनखा, ड्राइवर की तनखा है जो फिक्स की है आपने, किसने आपने जो सरकारी सरकार कानून लगा दी सर, तनखा भी तो फिक्स करनी चाहिए, जो प्राइवेट है प्राइवेट है तो प्राइवेट प्राइवेट, मेरे को ये बताओ कि प्राइवेट आपसे अलग थोड़ी है, आज प्राइवेट वो तो आपका यूनियन है, हमारा यूनियन है, उसके द्वारा आप लोग अपनी बातचीत उठाओ, देखो बात ये है जो भी आपकी माँ बता रहे हो कि तनख्वाह फिक्स होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, वो आप मेरी बात सुनो, वो आप लिखित में मेरे को एक बात बताओ, आगे तक उसको भेज दूंगा, ठीक है सामने करो, ओके भाई साहब मेरे को एक बात बताओ आप कि ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है, हो जाता है एक्चुअली हो जाता है ना, करता कोई भी नहीं है ना, हो जाता है वहां पे ड्राइवर रुकेगा तो मरेगा, जान से मरेगा, मेरी गारंटी है, मेरी बात सुनो आप, देखो मेरी गारंटी, बात सुनो आप, मेरी गारंटी है, मेरी बात सुनोगे नहीं सुनोगे, ये मेरी गारंटी है, क्या है भाई साहब, मेरे सामने आग से बबूला हो गए इंसान मरे हैं, मेरे सामने लात की ठोकर खा खा के आदमी मरे हैं, मेरे सामने मरे, अब मेरी बात सुन लो आप, हाँ ये तो बना है कानून, हाँ कानून में अगर कुछ खामियां हैं, हाँ उसका आप ऐसा होगा, कानून गलत है, गलत है तो आप कुछ आपकी मांगे है, हमारी मांगे यही है कि ड्राइवर की सेफ्टी सुरक्षित मतलब पूरी बराबर चाहिए, होने के लिए नहीं होता ना, आप लिखित में तो दो, अभी तो देख सको जो ड्राइवर ही ये एक एप्लीकेशन लिखन लाग रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी की डिमांड ही भी आधार का ऊपर, और देखो आगे क्यों है अगर शिकायत आ गई, नहीं सर ये बताओ फिर मुकदमा भी होगा और फिर देख लो सर, बैठा बैठा लगाओ तो चाहे लगा दो, ऐसे नहीं लगाते पुलिस, जो क्या आया था रोड जहाँ मिलेगी, कौन मिली एक बार आए थे हम, वो पहले स्टार्टिंग में आए थे, आपके बताने के बाद में आप आए, डिवाइडर लगा रखे थे, वो आप ले गए रोडवेज को रोका था आपने, वो आप ले गए रोडवेज वाला, मान के बोलिया वो अलग बात है, के बोलिया मान थाने मेरा, बोले एक बार थे मान बोल दो मैं भी ड्राइवर आज बोलो खड़े जाओ, ये देखो तारा ये अलग है बात, आप अपनी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास बल्कि मैं खुद मारे पर कोई बात नहीं है, रोको के अनुरूप कार्रवाई करती है, खुद वानिया की रोको तारे साहब रोको, मारे पर बात नहीं है, पब्लिक परेशान होती है, तो भाई साहब सर थे दो बार आकर दोनों राउंड जहाँ मिली गई ठीक है, बाद में दो बार आकर ना रोड जहाँ मिली गई, तो साहब अभी भी आया था मैं तो साइड में खड़ा ना, रोड खुली है तो ट्रक वाला खड़े आपके साथ मैं तो बाजते बाहर रखी रही गवर्नमेंट की बाल्टी बाजते नहीं मान बाबा जरूरी को नहीं, मैं तो बाजते बाहर रखी है, अरे यार गवर्नमेंट बाल्टी बाजते मैं भी हाथ दे रहा हूँ, और की है आपकी बात करना, आज अभी आ जाए तेरे दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी को नहीं होगी, मैं कह रहा था ना आश्वासन दे बात को, एक कोई दिक्कत को नहीं होगी, कोई परेशानी को नहीं होगी, कोई परेशान करना मान लो, कोई परेशान करना, हम चल रही है अकेले तो चल रही है, बिल्कुल साइड में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तो लड़ाई बात नहीं है, दूर जी उल्टी बात करो,
अभी जो एप्लीकेशन लिखी है तो ऊपर साइन करने लग रहे हैं ड्राइवर थोड़ा सा पीछे हटियो ना ले भाई जी मुंडा करियो यार बैठे ने फोटो तो बना दिया ड्राइवर की जी मांग है कि मान लिखित में दो आ बात आ कि सही है कि नहीं है थाने थारो सुझाव कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना।